बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, खान साहब के आज दो किस्म के केसेस चल रहे थे। एक मई 9 से रिलेटेड जिन केसेस थे, FIR थी, उनमें आज जुडिशल हो गया है। दूसरी तरफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो ट्रायल चल रहा है वो बड़े तेजी से चला रहे हैं, और आज उन्होंने 5 गवाह, 4 गवाह गुजारे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है, जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइबर केस के ट्रायल को क्वाश किया है कि वो प्रोसीडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी थी, इंशाअल्लाह ताला ये भी प्रोसीडिंग इसी तरह गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से चल रही है। हमें अदलिया पे एतमाद है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ होगा हमारे साथ। उसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक मेरे एक राइट दिया गया था कि खान साहब के साथ टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करूं। आज कंसल्टेशन के लिए टाइम नहीं दिया गया था, कल भी टाइम नहीं दिया गया था। एक कोर्ट में मुलाकात कराई गई जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इन एनी केस हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले, इसी दौरान इंशाल्लाह ताला किसी भी वक्त में टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाल्लाह ताला, और पहले टिकट प्रोसेस इशू करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे सारे उम्मीदवारान अपने टिकट कल या परसों मुतालिका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। मेरी इस यहाँ से इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है, आज हम इलेक्शन कमीशन को पिशावर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जमा करा चुके हैं, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए और हमारा सिंबल से जो सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। हम दरख्वास्त दे चुके हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया, वो पब्लिश नहीं हुआ है। मेरी इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इस्तदा है कि बराए मेहरबानी, बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, आज उसको हर सूरत करें ताकि कल और परसों हमारे जितने भी टिकट होल्डर्स हैं वो अपने टिकट मुतालिक आरओ को जमा कराएं और उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि PTI का उस सिंबल के साथ पार्टीज के उस लिस्ट में आना भी जरूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। आपने अगर नहीं भी किया तो अदालत के ऑर्डर का आप एहतराम करें, उन्होंने हमें ये राइट दिया है, लिहाजा आप इसमें ताखीर ना हो ताकि निशान के अलाटमेंट में कोई कंफ्यूजन ना रहे और हमारे जो उम्मीदवारान है वो निशान और बल्ले से महरूम ना रह सके। आपका शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन अब पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो क्या आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी आपको रिलीफ मिल सकता है? देखिए, पिशावर हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे हक में है। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है तो ये उनका एक हक है अगर वो जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड ना करे इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है, उसके लिए लाजिम है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने भी पिटीशन फाइल कर दी थी, उस पिटीशन की पहले हियरिंग में 7 दिन लग गए थे, तो अगर इलेक्शन कमीशन भी आज या कल परसों में पिटीशन फाइल करता है और उसके भी लगने में 7 दिन लग जाते हैं तो ये ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होना है, लिहाजा परसों की डेट है निशान के अलाट होने में, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। देखो, सारे वर्करों को भी मिल रहे हैं, वकला को भी मिल रहे हैं, कुछ आप लोगों को भी मिल रहे हैं, सारी हमारी पूरा प्रोसेस है। हमने प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया था, फाइनल कंसल्टेशन खान साहब के साथ भी हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला किसी के तहफुजात नहीं रहेंगे। लेकिन मैं पार्टी वर्करों से और कैंडिडेट से उम्मीदवार से एक दरख्वास्त करता हूँ
कि जिस किस्म का टिकट आप चाह रहे थे शायद आपको वो टिकट नहीं मिला, या आप टिकट चाह रहे हैं और आपको टिकट नहीं मिला, तो मेहरबानी करके अपने पार्टी के डिसीजन को सपोर्ट करें, उन उम्मीदवारों को सपोर्ट करें जिनको टिकट मिला हो, इत्तेहाद और तहम्मुल का मुजाहरा करें जिस तरह आप करते चले आ रहे, मेहरबानी करें पार्टी को आगे ले जाने में हमारा साथ बिठाए, ताकि जिस मुश्किल में खान साहब आज जेल में अगर बंद है तो ये आपकी आजादी के लिए बंद है, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए बंद है, इसलिए सिस्टम को और इसमें रिफॉर्म लाने के लिए हमें जो मेजॉरिटी चाहिए, सपोर्ट आपका चाहिए, मेहरबानी करके यकजहती के साथ अपने कैंडिडेटों को सपोर्ट करें ताकि पार्टी को हम वो जितवा सके, और इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। आज हमारी बात हुई थी खान साहब से पिंडी के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये सियासी टीम हमारी फैसला करेगी, क्या उसमें फैसला हुआ है? वो अभी आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा, मैं इलेक्शन जो पिंडी के लिए टिकट इश्यू करूंगा इंशाल्लाह ताला, वो आपके सामने अभी आ जाएगा थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह ताला, आज दिन में टिकटों का ऐलान हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम डिस्प्ले भी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। कंपेन इंशाल्लाह ताला 3-4 दिनों में हम कंपेन भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें, और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर हैं। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फर्क फर्क जराए से ऑफर आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पर सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो, और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा। कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है, ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए हैं वो तो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे कारकुन, जो कारकुन है उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो हैं जो कारकुन हैं, और कारकुनों को आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको ये टिकट्स अवार्ड करने चाहिए, ये उन्होंने कहा था। आपने सवाल जरूर पूछना होगा, ये इन्होंने जरूर पूछना। हाँ, ये बताइएगा कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो साइबर केस है उससे मुतलिक बरतानिया और अमरीका में भी केस फाइल किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से कोई पेश शब्द है, क्या कहीं पे केस फाइल हुआ है या वो मुखर हो गया? मुखर हो गया नहीं, उसके बारे में आपको जितना कम बताएं उतना बेहतर है, आपको जल्द बाहर से पता चल जाएगा। एक दो केसेस ऐसे भी फाइल हुए हैं, जरूरी नहीं कि हमने डायरेक्टली किए हों, जिसके अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि जो ये जो हम जिनसे जो हम कर रहे हैं ये वो वाले नहीं है, लेकिन अब इस वक्त डिमांड जा रही है काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिनके रिश्तेदारों को यहाँ पे जिन पर तशद्दुद किया गया, जिनकी बिजनेसेस ख़त्म की गई हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्वज़ हैं, जिन्होंने ये करवाया है, उनके वीज़े कैंसिल किए जाएं, क्योंकि वो यहाँ से और उनके जिनकी जायदादें बाहर हैं उनको भी जब्त किया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, और मुल्कों के लिए भी ये हो रहा है कि जहाँ पे इलेक्शन के अंदर धांधलियाँ हो रही हैं, जो जब यहाँ से लोग पैसा लेके इन्हीं के मुल्कों में जाते हैं जो कि चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, अगर उन्हीं मुल्कों में हमारा पैसा जाना है और उन लोगों का जो पाकिस्तान का पैसा है जो बाहर जा रहा है,
तो कई लोग हैं इस वक्त जो केसेस फाइल कर रहे हैं कि जो इस जुल्म के जिम्मेदार हैं उनके वीजे भी कैंसिल किए जाएं, उनकी जायदादें भी जब्त की जाएं। शुक्रिया मैम। Thank you.